मेरा तो सवाल आपसे ये है कि इसे सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है और आप पर आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं? जब गया बुलडोजर तो कार्रवाई कर क्यों नहीं आया? आप पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे? मतलब नहीं, प्राची जी ऐसा नहीं है। प्राची जी देखिए, हर चीज पे अतिक्रमण के नाम पे तुष्टिकरण कौन कर रहा है? अतिक्रमण के नाम पे तुष्टिकरण यही लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश चुनाव का। जब हमारी पार्टी के लोग गन्ना की बात कर रहे थे तो ये लोग जिन्ना को लेकर के आ गए थे। समस्या ये है कि इस देश में मुस्लिम तुष्टिकरण को संस्थागत कर दिया गया है, यही कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यही आम आदमी पार्टी के द्वारा। इनके जनप्रतिनिधि अमानतुल्ला खान और ताहिर हुसैन के बीच में क्या संबंध है? आप लगातार बीच में बोल रहे हैं तस्लीम जी, ऐसा नहीं है। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए लोकतंत्र है, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं बोलूंगा बीच में। आपको बोलना है आप बोल लीजिए, लेकिन थोड़ा अपने संस्कारों का परिचय दीजिए। आपके बारे में किसी ने नहीं बोला था, आपको सुनने का धैर्य और धीरज होना चाहिए। तो जवाब दीजिए ना गुरु प्रकाश जी, आप गोल गोल मत घुमाइए, इस बात का जवाब दीजिए कि अगर बुलडोजर गया था तो कार्रवाई करके क्यों नहीं लौटा? आप आधी अधूरी तैयारी के साथ कैसे जा सकते हैं शाहीनबाग में? नहीं, देखिए सीआरपीएफ के लोग भी गए थे, पुलिस के लोग भी गए थे, और आने वाले समय में जब बुलडोजर जाएगा तो पूरी कार्रवाई करके आएगा, पूरी कार्रवाई करके आएगा। आप मान रहे हैं कि आपकी जो तैयारी थी वो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी? देखिए अब बिल्कुल सामने अगर लोग आ जाएंगे, लोग विरोध करेंगे, जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो बिल्कुल हमें आवश्यकता है। आप तैयार नहीं थे, आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए जो बुलडोजर था वो बैरंग वापस लौट गया। मैं आपके पास आऊंगी सुबुई जी, ठीक है, हो गई आपकी बात, आ गई आपकी बात, आ गई गुरु प्रकाश जी। सुबुई जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया और ये भी कह दिया कि इस मामले में किसी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं है कि वो पिटीशन दायर करे, सुप्रीम कोर्ट पर जाए और बेवजह सुप्रीम कोर्ट को परेशान करे, इस पर क्या कहेंगे आप, इसे किस तरीके से समझाएंगे दर्शकों को? देखिए ये एक बहुत ही संजीदा विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भारत का नागरिक होने के नाते हमें इस विषय को डील करना है। प्लीज बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एमएम, इस तरह की मानसिकता से ऊपर उठ के एक भारतीय नागरिक बन के सिचुएशन को देखिए। किसी भी देश के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और उस देश के नागरिकों के लिए होते हैं। आज हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमारा देश स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों की कमियों से जूझ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के संसाधनों पे अतिक्रमण हो गया है, हमारे देश की जमीनों पे अतिक्रमण हो गया है। और ये जो अतिक्रमण करते हैं लोग, वो नागरिक बनने की आड़ में करते हैं, फर्जी आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड बनवा लेते हैं। और जब कभी देश के हित के लिए कोई कानून बनता है, फॉर एग्जाम्पल NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि हर देश में है, हर देश के पास अपने नागरिकों की एक लिस्ट होती है। और अगर हमारा देश प्रॉपरली अगर कोई कानून या कोई पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई लाता है तो यही भीड़ तंत्र सड़कों पे उतरकर सड़कें जाम करने लगता है, प्रदेशों को, देश को आग लगाने लगता है। हम लोग भूले नहीं है CNRC में देश की राजधानी दिल्ली को फूंक दिया था। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहती हूँ, जामिया में 30,000 दंगाइयों की भीड़ थी, जब जांच हुई तो उसमें सिर्फ 3,000 स्टूडेंट्स थे, वो 27,000 कहां से आए? हम लोग इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते हैं कि राजनीति करने के चक्कर में, तुष्टिकरण की राजनीति करने के चक्कर में हम फर्जी वोटर्स बना के भीड़ तंत्र को अपनी नाक के नीचे रखते हैं। और वो किसी रिलीजन से जोड़ने वाली बात नहीं है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्याज है, बहुत सारे इंपोस्टर्स है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्पाइज है। सभी लोगों को एक ही चश्मे से देखना होगा कि भारत का नागरिक कौन है, भारत का नागरिक कौन नहीं है। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ना ही सिर्फ हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी परेशानियों के लिए जरूरी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल ये जरूरी है। और इस तो राजनीतिक चोटियां सजना सुबुई जी जैसा आप कह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे तमाम पैनलिस्ट सुन रहे होंगे कि इसे सियासी चश्मे से देखना बहुत गलत है। और कुलदीप जी, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, आपने सुबुई जी को सुना, वो क्या कह रही है कि हमें भारत के नागरिक बन के किसी कार्रवाई को देखना है, ना कि हिंदू मुस्लिम करना है, ना कि समुदाय विशेष की बात करनी है या फिर सियासी चश्मे से देखना है। आपको क्यों नजर आता है अगर बुलडोजर चला गया कार्रवाई करने तो आपको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चलेगा? प्राची जी, पहली बात तो सुबोई जी जो है वो खुद इस पूरे मैटर को भाजपा के चश्मे से देख रही हैं। उन्हें भाजपा का चश्मा उतारना चाहिए और इसको जो है वो देखिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे जो पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं आप उन्हें कोई तमगा नहीं देंगे, जवाब दीजिए, आप स्वतंत्र हैं अपने जवाब देने के लिए। प्राची जी वो भाजपा के प्रवक्ता, मैं क्या जवाब दूं? दुनिया को पता है, ये सबको पता है,
आप अपना जवाब दीजिए ना कुलदीप जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है मैं चाहूंगी आप उसी पर जवाब दे दें। कौन क्या कह रहा है इस पर मत दीजिए ना जवाब। इन्होंने आपने पूछा जवाब दिए सुबह जी के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। उनको ये समझना चाहिए 15 सालों में जिस आज ही जिसकी बात कर रहे हैं 15 सालों में क्या भाजपा के नेताओं ने पैसे लेके दिल्ली में इंक्रोचमेंट नहीं कराया? क्या एनसीटी के अधिकारियों ने इंक्रोचमेंट नहीं कराया? उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? जिन लोगों ने पैसे खाए भाजपा के नेताओं ने मेयरों ने जिन्होंने मिलकर इंक्रोचमेंट कराया उनकी कार्रवाई कब होगी? जाएगा नहीं जाएगा? इन लोगों ने पैसे कमाने का, इन लोगों को गरीब आदमी को धंधा बना रखा है। पहले अगर उन्होंने पैसा कमाने का धंधा बना लिया है कुलदीप जी तो आप उस डगर पर क्यों चल रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो बड़ी स्वच्छ राजनीति की बात करती है ना, दिखाइए ना अपनी स्वच्छ राजनीति। काम करने दीजिए अगर प्रशासन गया है तो कुलदीप जी आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण ठीक है? अगर दिल्ली वाले के दिल्ली वालों को कुलदीप जी आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण ठीक है? जवाब दीजिए आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण ठीक है? देखिए प्राची जी मैं फिर कह रहा हूँ, क्या अतिक्रमण पैसे लेके कराना ठीक है? भाजपा की धोरी मानसिकता जो है कि पैसे दोगे तो भाजपा का जवाब भाजपा देगी ना, आप अपना जवाब दे दीजिए मुझे। हमारा जवाब स्पष्ट है, हमारा जवाब स्पष्ट करें, इनका 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 मेन मकसद आपका अपना जवाब स्पष्ट नहीं है, आप दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन आप पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। बहरहाल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।